नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल नाइन प्लैनेट सॉल्यूशन में आप सबका स्वागत है। मैं पुदार नेहा एस्ट्रोलॉजर आपके सामने छोटी छोटी डेली बेसिस के टिप्स लेके आती हूँ। आज हम जिसके बारे में बात करेंगे वो है इस दुनिया का, इस ज़िंदगी का अटल सच, मृत्यु। मृत्यु हमारी ज़िंदगी का एक अटल सच है। इस संपूर्ण ब्रह्मांड में इस सच को झुठलाया नहीं जा सकता और हमें इस सच को ज़िंदगी में हंस हंस के ही सामना इस सच का करना चाहिए, वही हमारे लिए अच्छा है। जब भी गरुड़ पुराण में लिखा हुआ है कि जब भी मृत्यु का कोई भी ऐसा कुछ होने वाला होता है किसी की भी लाइफ में, तो वो हमें साकेत देती है, हमें हिंट देती है कि कुछ ऐसा होने वाला है, सपने के माध्यम से, दुर्घटना के माध्यम से। आज मैं आपको 5 सपनों के बारे में बताऊंगी जिससे ये हमें हिंट मिलता है। सबसे पहले, अगर हम कभी भी सपने में ढोल नगाड़े बजते देखें तो ये भी अशुभ संकेत है। इसका मतलब है आपकी फैमिली में किसी को एंग्जाइटी, डिप्रेशन, तनाव, इन चीज़ों की प्रॉब्लम होने वाली है। सो आप अपने घर वालों का थोड़ा सा ध्यान रखिए, इस चीज़ के लिए थोड़े से केयरफुल हो जाइए। उसके बाद हमें किसी का मुंडन नज़र आता है, मुंडन नज़र आना भी अच्छा नहीं होता, ये भी किसी की मृत्यु का संकेत है। इसके लिए भी हमें थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए कि ऐसा क्यों हुआ, क्या हमारे घर में कोई बीमार तो नहीं चल रहा, हमें उसका ध्यान रखना है। दूसरा सपना, शमशान नज़र आना। मृत्यु में शमशान नज़र आना अच्छी बात नहीं होती। शमशान नज़र आने का मतलब है कि हमारे किसी करीबी की मृत्यु, वो भी बहुत अशुभ संकेत है, हमें इस चीज़ के लिए भी थोड़ा सा अलर्ट रहना होगा। तीसरा सपना, वृक्ष नीचे गिरना, ऊंचाई से कोई भी चीज़ नीचे गिरना एक अशुभ संकेत है, ये हमारी मृत्यु का संकेत भी हो सकता है। ऊंचाई से नीचे गिरना हमारे बिजनेस का लॉस भी आ सकता है। हम सिर्फ इसको मृत्यु से नहीं लेंगे, हम ये भी देखेंगे कि कुछ भी बुरा हमारे साथ घटित हो सकता है, तो हमें इस चीज़ के लिए अलर्ट रहना चाहिए। तीसरा सपने में अगर हम किसी भी स्त्री को नग्न अवस्था में देखते हैं तो ये भी शुभ संकेत नहीं है, ये भी किसी ना किसी खतरे की तरफ हमें बता रहा है कि कोई ना कोई खतरा हमारी तरफ आ रहा है, वो भी गलत हो जाता है। चौथा सपना, मूर्ति भगवान की देखना खुशहाली का प्रतीक है, लेकिन खंडित मूर्ति देखना खुशहाली का प्रतीक नहीं है, इस चीज़ के लिए भी आपको अलर्ट रहना पड़ेगा। सपने में अगर आप किसी को दम तोड़ते हुए देखते हैं तो ये भी एक अशुभ संकेत है। देखिए दोस्तों, हम आपको ये चीज़ें जो बता रहे हैं ये आपको डराने के लिए नहीं बता रहे, ये हम इसलिए बता रहे हैं अगर आपके साथ कुछ ऐसा हो रहा है तो आप अपनी कुंडली एस्ट्रोलॉजर के साथ डिस्कस कीजिए, उसको कंसल्ट कीजिए कि ऐसी क्या प्रॉब्लम है जो आपकी लाइफ की तरफ आने वाली है, तो आपको एक अच्छा एस्ट्रोलॉजर उसकी रेमेडी देगा और आप किसी भी तरह के खतरे से बच जाएंगे। हम आपको अलर्ट करने के लिए ये चीज़ें बताते हैं, ना कि डराने के लिए। आप बिल्कुल केयरफुल रहिए। अगर आप कुछ भी ऐसा देखते हैं तो अपनी कुंडली को कंसल्ट कीजिए, उसको दिखाइए और किसी भी आने वाली परेशानी से बचिए। शुक्रिया दोस्तों, आज का मेरा वीडियो यहीं तक था। अपने व्यूज़ मेरे कमेंट बॉक्स में दीजिए। प्लीज़ मेरा वीडियो नाइन प्लैनेट सॉल्यूशंस, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया, थैंक यू, धन्यवाद।